लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया जेंडर का नाम शिष्ट ऊर्जा ऊष्मा पुनः प्राप्त वेस्ट हीट रिकवरी वेस्ट हीट रिकवरी अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति। ठीक, तो जो भी वेस्ट हीट होता है इंडस्ट्री में, जैसे मैं बात करूं तो हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है ऊर्जा। ठीक, यानी कि हम एक तरह से कह लें कि ऊष्मा की बहुत आवश्यकता है किसी भी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो होता क्या है कि नॉर्मली जो इंडस्ट्री में, मैंने बताया था कि कोई भी इंडस्ट्री है बेटा, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को जितना हम एनर्जी देते हैं या जितना हम उसको फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, ईंधन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि उस ईंधन की बहुत बड़ी मात्रा ऊर्जा को, यानी कि ऊर्जा को प्राप्त करनी ही है, तो ऊष्मा में यानी हीट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, हीट में ट्रांसफर होता है, चाहे वो आपका पावर प्लांट हो। आपने पावर प्लांट में देखा होगा कि पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, एक कोयला जो होता है, अगर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है तो थर्मल पावर प्लांट में हम लोग फ्यूल को जलाते हैं। ठीक है, और जलाने के बाद हम क्या करते हैं, उससे जो ऊष्मा प्राप्त होती है उससे हम बॉयलर को, यानी कि वहां पे बॉयलर होता है, ठीक है, बॉयलर को क्या करते हैं, बॉयलर में वाटर होता है, पानी होता है। ठीक है, तो बॉयलर में पानी होता है, तो जो भी हीट प्रोड्यूस होता है वो हम बॉयलर को देते हैं। बॉयलर के बाद जो क्या मिलता है हमको, स्टीम मिलता है, यानी कि भाप मिलता है। ठीक है, और इस भाप को हम, ठीक है, फिर क्या करते हैं, इस भाप को फर्दर हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, एयर टर्बाइन को रोटेट करने में, यानी कि बिजली की प्राप्ति करने में, इस भाप से हम बिजली प्राप्त करते हैं, ये तो कहानी है। ठीक है, लेकिन जो इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हीट, यानी कि हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक बार जो आपने फ्यूल से भाप बनाया, ठीक है, भाप तो बनाया, अब ये भाप बनने के बाद क्या होगा कि एक बार टर्बाइन रोटेट होगी तो उसके बाद ये भाप वेस्ट हो जाएगा, इस तरह से वेस्ट है। ठीक है, वो भाप टर्बाइन को रोटेट करेगा, लगातार फ्यूल जलता रहेगा, लगातार हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, लगातार बॉयलर से भाप बनता रहेगा 24x7 24 घंटा, साल भर 6 महीने लगातार, और लगातार भाप बनते रहेगा। आप सोच सकते हो भाप बनाने के लिए कितनी ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी आपको हाई टेम्परेचर पे। ठीक, और उस भाप को अगर हम दोबारा यूज में ले लें, या जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा चिमनी, मैंने बताया था ना, चिमनी से क्या होता है, चिमनी से बहुत सारी गैसेस निकलती है, धुआं निकलता है, हीट निकलता है, ठीक है, ऊष्मा निकलती है। तो किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो, अगर वहां पे हीट जो है वो वेस्ट हो गया है, यानी कि उसका कोई काम नहीं है, तो उसको वापस रिकवर किया जा सकता है। और इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हमने बताया था, से कहते हैं रिक्यूपरेटर, एक प्रकार का परावर्तक कहते हैं इसको हिंदी में। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे मैंने बताया ना कि एग्जाम में पूछेगा आपके, तो अब ये थोड़ी भी पूछेगा कि इसको समझाओ ये क्या होता है, तो अब ये पूछ लेगा कि रिक्यूपरेटर क्या होता है। ठीक है, या पूछ लेगा कि वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा वेस्ट हीट को, यानी अपशिष्ट ऊष्मा को
पुनः प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है? रिक्यूपरेटर। हिंदी में क्या बोलेंगे? पुनरावर्तक। तो इस प्रकार के बेटा क्वेश्चन को जब इस तरीके से हम करेंगे तो जो हमारा एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव वाला उसमें हमको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब तो इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है, पुनरावर्तक। फिर मैंने बताया था कि जो हीट प्राप्त होता है, जो भी हीट हमको चाहिए, उस हीट की क्वांटिटी क्या है, यानी कि उसकी मात्रा क्या है, दैट इज द क्यू, क्यू फॉर द क्वांटिटी, उसकी मात्रा, कोई भी हीट निकल रहा है उसकी क्वांटिटी क्या है, वो निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, वी रो सी पी डेल्टा टी। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम में। ठीक है बेटा, हमने सबके बारे में पढ़ लिया था, लेकिन अब थोड़ा आगे जब बढ़ेंगे अपने टॉपिक में, तो जो अपशिष्ट ऊष्मा जो प्राप्त हो रहा है, यानी कि क्यू, क्यू क्या है, अपशिष्ट ऊष्मा, ये जो प्राप्त हो रहा है, ये तीन प्रकार की क्लासिफिकेशन में हम इसको डाल सकते हैं। मैंने बताया था कि तीन क्लासिफिकेशन में हम हीट को डालेंगे, यानी कि एक क्लासिफिकेशन वो होगा जो हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट हो, एक होगा मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट होगा, और एक होगा लो टेम्परेचर। भाई कोई भी ऊष्मा मिल रही है, कहीं से भी हमको हीट मिल रहा है, या तो उस हीट की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, या थोड़ी ठीक ठाक होगी, या फिर बहुत कम होगी, ये तो हो सकता है। तो जो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट, जिसमें प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा, वेस्ट हीट की मात्रा बीच में होगी, रेंज में होगी, तो उसे हम कहेंगे मीडियम टेम्परेचर, और जो बहुत कम होगी उसे हम कहेंगे लो टेम्परेचर। आई थिंक इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट, अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा या फर्दर जो भी हम पढ़ेंगे, अब मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि मुझे ऐसा बताना है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार होता चले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से क्या बना, कि वेस्ट हीट रिकवरी को प्राप्त करने के लिए प्रयोग होने वाले यंत्र को कहते हैं पुनरावर्तक या रिक्यूपरेटर। पहला क्वेश्चन, ठीक है, वेस्ट हीट जो होता है उसमें जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसको क्यू को निकालने का फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू वी रो सी पी डेल्टा टी। सेकंड क्वेश्चन बेटा देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि अपशिष्ट ऊष्मा जो है, यानी कि जो वेस्ट हीट है, मतलब कोई भी हीट है जो वेस्ट है, वो कितने प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं? तो आप कहोगे तीन प्रकार से। जो भी वेस्ट हीट है कितने प्रकार से क्लासिफाई करोगे? तीन प्रकार से। क्या क्या? हाई, मीडियम और लो। यानी कि अगर उसका टेम्परेचर हाई है, ठीक है, उसका टेम्परेचर मीडियम है, उसका टेम्परेचर लो है, तो क्लियर हो गया। तीन चार क्वेश्चन हमारे चैप्टर से ही समझ में आ गए। अब ये क्वेश्चन अगला क्या पूछेगा कि अगर बेटा कोई हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का है, कोई मीडियम है और कोई लो है, तो इसके उदाहरण पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा। पूछ सकता है कि ऐसी इंडस्ट्री का नाम दे दिया, अब पूछा कि इनमें से किस प्रकार का है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए कि कोई एक स्टील पावर प्लांट है, जैसे हमारे गीडा में एक जालान सरिया वाला, ठीक है, स्टील प्लांट है, आपको पता है, तो वो किस कैटेगरी में है? वहां पे जो वेस्ट हीट निकल रहा है, ऊष्मा निकल रही, ठीक है, वेस्ट हीट निकल, वो किस कैटेगरी में आएगा? तो वो आएगा हाई टेम्परेचर में। तो होता क्या है बेटा कि इसकी एक रेंज है। रेंज क्या है कि इसको मानते हैं कि 650 के आसपास से लेकर के 650 से लेकर के, ठीक है, इतना 1700 या 1650, 1600 या 1700 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम इस टेम्परेचर पे कोई इंडस्ट्री काम कर रही है, या इतनी ऊष्मा हमको मिल रही है, इतना हीट मिल रहा है इस टेम्परेचर के रेंज का, वो 650 भी हो सकता है, वो 800 भी हो सकता है, वो 900 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है, 1700 भी हो सकता है, ठीक है, तो उनमें क्या क्या आ जाएगा? आप जब किताब खोलोगे ना बेटा,
तो आपकी भी जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है। ठीक है, आपको किताबें अब पढ़नी पड़ेंगी। मैंने पीडीएफ शेयर किया है बुक का, एक पीडीएफ और को मैं शेयर करूंगा दूसरे बुक का भी। ठीक है, जैसे देखो एपिक, जरा एक बात बताओ। ठीक है, आप जब कोई भी मेटल यानी कोई धातु है, ठीक है, धातु का शोधन करते हैं कि नहीं करते हैं? शोधन मतलब रिफाइनिंग करते हैं धातु का। धातु कैसे पाया जाता है? एस के रूप में पाया जाता है, ओर के फॉर्म में पाया जाता है। कोई भी जो धातु है वो पहले ओर के फॉर्म में होती है, अयस्क के रूप में होता है। ठीक है, धातु अयस्क के रूप में होता है। जैसे आयरन है, आयरन जो है वो डायरेक्ट जो है हमको नहीं मिलेगा, वो फेरस या फेरिक के फॉर्म में मिलता है, उसके ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, चाहे एल्यूमिनियम है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो निकिल है, ठीक है, चाहे वो जिंक है ना, जो भी मेटल प्रीसियस मेटल भी होते हैं, कोई भी मेटल है, वो पहले ओर के रूप में पाया जाता है, अयस्क के रूप में मिलता है ओर। और हम क्या करते हैं, इस ओर को प्राप्त करने के बाद इसको शुद्धि करते हैं, इसका शोधन करते हैं, और शोधन करने से उसमें हम उससे जो प्राप्त होता है धातु को अलग कर लेते हैं, धातु को अलग कर लेते हैं। तो ये जिसके लिए एक इंडस्ट्री बनाई जाती है जिसमें एस का शोधन किया जाता है, उसे कहते हैं रिफाइनिंग प्लांट। क्या बोलते हो? रिफाइनिंग प्लांट या रिफाइनिंग प्लांट, रिफाइनिंग करना कहते हैं। ठीक है, शोधन करना कहते हैं। अगर बेटा ये शोधन करोगे, ठीक है, शोधन करने के लिए इस एस को गलाना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। ठीक है ना, नॉर्मली लोहे को गर्मी करवाना है तो बहुत टेम्परेचर चाहिए, राइट? ठीक है ना, 700, 800, 900 के रेंज का। ठीक है, तो ऐसे जो है जो प्लांट्स होते हैं जिसमें रिफाइनिंग फर्नेस हो, फर्नेस मतलब होता है बेटा भट्टी होता है। ठीक है, जो मेटल, मैं तरीका बता रहा हूँ याद करने का, जो मेटल वाले जितने होंगे, ठीक है, वो सभी के सभी हाई टेम्परेचर पे ही उनका शोधन हो पाएगा। तो हाई टेम्परेचर पे अगर कोई चीज शोधन कर रहे हैं तो उसके लिए जो भट्टी का इस्तेमाल करेंगे उसको कहते हैं रिफाइनिंग फर्नेस, यानी कि शोधन भट्टी। ठीक है, अभी शोधन भट्टी में अयस्क को डाला जाएगा, अयस्क को इसमें पूर किया जाएगा, अयस्क इसमें जाएगा और जाने के बाद इसमें से बाकी जितनी अशुद्धियां हैं अलग अलग कर लेंगे, और बाकी जो प्योर फॉर्म में धातु है, धातु हमको अलग से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, निकिल की रिफाइनिंग फर्नेस है, इसको लगभग 1300-1400 डिग्री सेल्सियस चाहिए निकल का। एल्यूमिनियम की अगर बात करूं तो 650-700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। जिंक की बात करूं तो 750-800-1000 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। कॉपर की बात करें तो ये भी बेटा 700-800 डिग्री सेल्सियस चाहिए कॉपर को रिफाइन करना है। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ कि स्टील का कोई प्लांट है तो वहां भी आपको 900-1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सीमेंट की भट्टी है मान लो, ठीक है, जैसे जहाँ ग्लास बनाया जाता है, शीशा जो कांच बनता है ना वो भी गलाया जाता है, ठीक है, सिलिका होता है उसमें। तो ऐसे कोई भी इंडस्ट्री है जहाँ पे हाई टेम्परेचर इस रेंज का होगा, किस रेंज का, ये तो आपको ये एग्जाम के लिए याद रखना है। पूछ लिया एग्जाम में कि 650-1700 या जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 1700-1800 भी दे सकता है, ठीक है, अबव, तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो आप बोलोगे हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, एग्जाम ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई कॉपर प्लांट है, कोई स्टील प्लांट है, कोई ग्लास प्लांट है, कोई ग्लास याद रखना कांच, कोई सीमेंट का प्लांट है, वहां भी हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, कोई हाई टेम्परेचर है, कोई ओपन फर्नेस है, तो जहां पे इस तरह का एग्जाम्पल आ गया एल्यूमिनियम का प्लांट है, तो आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे? आप कहोगे सर हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट वाले में रखेंगे। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन तैयार होगा। फिर हम आगे चलेंगे तो हमको मिलेगा मीडियम टेम्परेचर। ठीक है, तो मीडियम टेम्परेचर की जो रेंज है वो लगभग होती है 230 से लेके 230 डिग्री सेल्सियस से लेके 650 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 650 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, ये टेम्परेचर का रेंज होता है इसमें मीडियम का। ठीक है,
तो इसमें क्या क्या इंडस्ट्री आ जाएगी? देखो अब जिनका टेम्परेचर का रेंज है, जैसे अगर कोई हमारे पास गैस टर्बाइन का एग्जॉस्ट, देखो एग्जॉस्ट आपने देखो यूज करते हो ना, एग्जॉस्ट कहाँ यूज करते हैं? ऐसे मान लो कहीं भी स्टीम या कहीं बहुत ज्यादा टेम्परेचर का काम हो रहा है, तो उस ऊष्मा को बाहर भी तो एनवायरमेंट से, मतलब वहां से निकालना भी तो है, तो हम एग्जॉस्ट का, एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल भी करते हैं। तो कहीं भी अगर टेम्परेचर 250 के या 650 के रेंज में आता है, फॉर एग्जाम्पल स्टीम बॉयलर जो होता है उसका एग्जॉस्ट हुआ, गैस टर्बाइन उसका एग्जॉस्ट हुआ, कोई हमारा जो ओवन होता है जिससे हम बेकिंग ओवन होता है ठीक है, उसका एग्जॉस्ट हुआ, कई हीट ट्रीटमेंट फर्नेस है ठीक, कुछ एग्जांपल्स आपको बुक में दिए हुए हैं। तो इनके जो रेंज होते हैं, ऑपरेटिंग रेंज होता है, वो इतना ही होता है, 200 250 400 500 600 700 इस रेंज का होता है, तो उसे हम मीडियम के कैटेगरी में डालेंगे। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए कि यह 250 से, या पूछा कि 200 से 230 डिग्री सेल्सियस, 240 डिग्री सेल्सियस, 280 डिग्री सेल्सियस, और किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो आप बोलोगे सर मीडियम टेम्परेचर बेस्ड हीट में ठीक है। सबसे लास्ट में आएगा बेटा लो टेम्परेचर बेस्ड हीट, जो लो टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर होता है बेटा 25-26 डिग्री सेल्सियस, यही तो होता है। तो मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम आ जाओ आप 230, अगर इस रेंज का है ठीक है बेटा, इस रेंज का है टेम्परेचर, तो हम वहां पे कहेंगे उसे लो टेम्परेचर वेस्ट हीट। 25 डिग्री सेल्सियस बहुत कम होता है, जैसे हम आलम में गाड़ी चलाते हैं, या हमारा किचन का जो एग्जॉस्ट है ठीक है, या हमारा जो बाइक है, स्कूटर है, या फिर कोई कार है उसका जो एग्जॉस्ट है, उसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है ना, गाड़ी गर्म हो जाती है ठीक है। कोई वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग कर रहे हो ठीक है, कोई फॉर्मिंग डिजीज है, फॉर्मिंग डाइस, कोई डाई का इस्तेमाल करते हो तुम ठीक है, कोई पंप का, जैसे कहीं पंप चला रहे हो, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप आपने चलाया अपने वर्कशॉप में, तो आसपास गर्म हो जाता है एनवायरमेंट के आसपास, जो हीट जो होता है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से ठीक है। कोई आपने खाना बनाने वाला या सुखाने वाला ओवन का इस्तेमाल किया ठीक है, ऐसा कोई भी चीज जो है बेटा, इसका नॉर्मली टेम्परेचर ये नहीं पूछेगा कि चल पेट एग्जाम्पल के साथ ये पूछ सकता है कि इस रेंज वाले हम किस में रखेंगे, बाकी पूछ लिए कि नॉर्मली आप सबको एक सा एग्जाम्पल दे देगा जिसको आप इजिली क्लैरिफाई कर सको कि हाँ ये इस कैटेगरी में आता है, ये इस कैटेगरी में नहीं है ठीक है। तो इसकी लिस्टिंग दी हुई है बेटा, एक बार बुक से आप लोग उसको देख लेना ठीक है, क्लियर है? अब देखो बेटा, अब पूछा जाए अगर मान लो बेनिफिट्स क्या क्या, इसके बेनिफिट्स हैं किसके, वेस्ट हीट जो है उसका रिकवर करते हो तो उसके क्या क्या लाभ है, तो बहुत सारे लाभ है। पहली चीज क्या है कि अगर हम डायरेक्टली वेस्ट हीट को रिकवर कर लेते हैं और रिकवर करके हम उसको फिर से इनपुट कर देते हैं सिस्टम में, तो जो हमारी एफिशियंसी है, सिस्टम की एफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। जैसे मान लो हमने पानी से बॉयलर से भाप प्रोड्यूस किया और उस भाप को हम दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, उस वेस्ट को दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं ठीक है, या फिर समझ लो कि बहुत कोई चिमनी से निकलने वाले धुएं को जो टेम्परेचर है उसको हमने ट्रैप कर लिया और दोबारा उसको यूज कर ले, तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी है हमारी, कितना ईंधन हम इस्तेमाल कर रहे थे हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, उस पर थोड़ी सी कमी आई। जिस ईंधन को हम इस्तेमाल कर रहे थे लगातार हीट प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें कमी आई क्योंकि हमने जो उसका वेस्ट हीट है उसको दोबारा इस्तेमाल कर लिया है, उसके लिए हमने रिक्यूपरेटर के द्वारा ट्रैप कर लिया। तो इसका मतलब बेटा फिर ये हुआ कि हमारा जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, जो सिस्टम की दक्षता है, वो क्या होगी, वो इंप्रूव होगी। तो अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में क्या क्या लाभ है, तो आप दिमाग में रखना इस चीज को कि अगर एफिशिएंसी इंप्रूव होती है ठीक है, एफिशिएंसी मतलब दक्षता, अगर वो इम्प्रूव होती है, यानी कि फ्यूल हम कम लगाएंगे इसका मतलब, और जब फ्यूल कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी लागत कम आएगी ठीक है, हमारी लागत कम आएगी,
हमारा जो इकोनॉमिक्स यानी जो हमारा आर्थिक भाग है वो भी मेंटेन होगा, ठीक है। तो टोटल जो प्रक्रिया है, ठीक है, बिजनेस को रन करने की, व्यवसाय को रन करने की, यह भी काफी इफेक्टिवली ग्रोथ करेगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो प्रदूषण होता है हमारे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ और गैसेस है, ठीक है ना, कुछ ऐसे प्लास्टिक के रसायन मान लो निकल रहे हो, या कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जहां से विषैली गैसेस निकल रही है, कई सारी गैसेस निकल रही है, तो क्या होगा, तो हम इन्हें क्या कर पाएंगे, एक मिनट, हम इन्हें क्या कर पाएंगे कि ऐसे गैसेस को हम ट्रैप कर लेते हैं और उसको दोबारा जो है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर है वह भी क्या होगा, कम होगा, ठीक, क्यों कम होगा, उससे जो वेस्टेज निकल रहा है उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ हम जो वेस्ट निकल रहा है उसको उसको ट्रैप करके वातावरण में जो चीज डायरेक्टली इंजेक्ट हो रही है उस पर हमने रोकथाम भी लगाई है, तो प्रदूषण में भी कमी होगी, ठीक है, ये चीज है ना। बाकी जैसे मान लो कि छोटे, देखो अगर कोई भी इंडस्ट्री में आपको लाभ समझना है, सीधी सी बात है, उसको आप रिलेट करो उसके इकोनॉमिक्स से, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था से, ठीक है। जहां अर्थव्यवस्था, जहां एनवायरमेंट, ये दोनों चीजें एक साथ ऐड होंगी, वो सब लाभ की ही बातें करेंगे। जैसे एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो है वो इसको भी कर रहा है, हमारा जो एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं जो लागत हमारी है इसको भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है, तो हमारा लाभ हो रहा है। और जब लाभ होता है, किसी चीज में बेहतर होता है, तो बाकी जो रख रखाव, मेंटेनेंस, इम्प्रूवमेंट, जो उसका सोशल इम्पैक्ट है वो भी हमको ज्यादा दिखाई देने लगता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट, तीनों चीजें, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक में दो तीन चीजें जो हमको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट समझ में आए, पहला वेस्ट हीट रिकवरी प्राप्त करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का या किस संस्था या किस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है रिक्यूपरेटर, ठीक है, परावर्तक। वेस्ट हीट है क्या, कोई भी फ्लू गैस, कोई भी गर्म गैस, बॉयलर से, भट्टी से, ओवन से, किसी से जो ऐसे निकल रही, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, हम दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करते, या मतलब विषैली भी हो सकती है, वो क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, क्वालिटी बुरी भी हो सकती है, विषैली भी हो सकती है, नॉन विषैली भी हो सकती है, ठीक है। उन सभी जो हीट एलिमेंट है उसको हम दोबारा इस्तेमाल करें, ठीक है, इन्वायरमेंट में डंप करने से पहले उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर ले उस हीट को, ये पूरी चीज प्रक्रिया कहलाती है वेस्ट हीट रिकवरी। और वेस्ट हीट जो होता है, क्योंकि यह प्रकार डिपेंड करेगा कि वेस्ट हीट की मात्रा क्या है, ठीक है ना, वेस्ट हीट की मात्रा है और उसको निकालने का सूत्र ये है, वेस्ट हीट की मात्रा। अब मात्रा जब हमको पता चल जाएगी तो हम उसके हिसाब से कौन सी डिवाइस लगानी है, किस क्षमता की डिवाइस लगानी है, रिक्यूपरेटर लगाना है, ठीक है। जैसे हमको अगर ने छोटे इंडस्ट्री में लगाना है तो अलग क्षमता का रिक्यूपरेटर लगाएंगे, बड़ी इंडस्ट्री में लगाना है तो अलग क्षमता का लगाएंगे, ठीक है। तो इसका आकलन करने के लिए अपशिष्ट ऊष्मा को, जो भी ऊष्मा हमको प्राप्त हो रही है, तीन पार्ट में हमने कैटेगराइज किया। पहले कहा कि हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट, दूसरा कहा मीडियम टेम्परेचर और एक कहा लो टेम्परेचर वेस्ट हीट, तीनों को हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब जो अपना नया टॉपिक, इसी में एक एड चैप्टर है रिलेटेड पीसी से, उसका नाम है को जेनरेशन, ठीक है, हिंदी में क्या कहोगे बेटा, सह उत्पादन। देखो हमारा जो सब्जेक्ट है, चूंकि वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा है, ऊर्जा की बचत तो करनी है, हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि ऊर्जा की बचत करनी, तो को जेनरेशन सह उत्पादन। कभी कभी क्या होता है बेटा, एक वर्ड का और इस्तेमाल करूंगा मैं, को जेनरेशन कभी कभी एग्जाम में आया, या एग्जाम में ये वर्ड आ गया या फिर आ गया CHP, तो इसका भी वही मतलब है, ठीक है, CHP,
सीएसपी को बोलते हैं बेटा कंबाइंड हीट, कंबाइंड हीट एंड पावर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बना, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर इस पॉइंट से, कि को जेनरेशन में क्या है, को जेनरेशन में किसका उत्पादन होता है, को जेनरेशन में किसका उत्पादन होता है। जेनरेशन मतलब होता है ना उत्पादित करना, उत्पादन करना। तो आप बोलोगे सर को जेनरेशन में दो चीजों का उत्पादन साथ साथ होता है, एक होता है हीट का, एक होता है पावर का, इसीलिए इसको सी एच पी भी कहते हैं, हीट का और पावर का। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है थर्मल पावर प्लांट या कोई भी पावर प्लांट, बिजली घर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आप क्या करते हो, हीट मतलब बेटा जो हमारा टेम्परेचर है, थर्मल हीट की बात हो ठीक है, और पावर मतलब बेटा क्या, इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहा है। तो दोनों प्राप्त करेंगे, क्या क्या प्राप्त करेंगे, हीट। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन गया तो आप डायरेक्टली आया, तो आप हीट और पावर करोगे, घुमा के पूछा तो आप कहोगे सर थर्मल, थर्मल क्वांटिटी प्लस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, समझ रहे हो, थर्मल क्वांटिटी प्लस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, दोनों का साथ साथ उत्पादन हो रहा है ठीक है। थर्मल क्वांटिटी मतलब कि हीट हो गया, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मतलब इलेक्ट्रिकल पावर हो गया। थर्मल क्वांटिटी जैसे पावर प्लांट में क्या होता है, हम जब फ्यूल देते हैं, ईंधन देते हैं, तो पहले हीट जनरेट होती है ना, उष्मा बनती है, उष्मा से टेम्परेचर से उष्मा बनती है जब, तो क्या होता है हमारा भाप बनती है, भाप बनने की प्रक्रिया होती है, स्टीम बनता है। तो हीट प्रोड्यूस कर लिया हमने ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस कर लिया, और इसी हीट प्रोड्यूस्ड को इलेक्ट्रिकल टर्बाइन के द्वारा इलेक्ट्रिकल पावर को प्राप्त किया जाता है। तो दोनों का उत्पादन साथ साथ हो रहा है, मतलब थर्मल भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जनरेशन हो, इस प्रकार की व्यवस्था हो, तो उसे कहते हैं सह उत्पादन। अब ये बात क्यों आई, ये दिमाग में आया क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कहने की जरूरत क्या थी। जरूरत बेटा ये थी कि जब हम अलग अलग उत्पादन कर रहे थे, मतलब एक तरफ हम सिर्फ बिजली इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर रहे थे, यानी पावर का इस्तेमाल कर उत्पादन कर रहे थे, और एक तरफ हीट का उत्पादन कर रहे थे, तो दोनों की जो अलग अलग उत्पादन करने से जो एफिशिएंसी थी, जो दोनों का अलग अलग उत्पादन करने से, यहां भी फ्यूल दे रहे हो उत्पादन करने के लिए और यहां भी आप फ्यूल दे रहे हो, तो दोनों की जो अलग अलग एफिशिएंसी थी, ये टोटल एफिशिएंसी जो इन दोनों को जोड़ के एफिशिएंसी आती है उससे काफी कम थी। मैं फिर से बोलता हूँ, इन दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी, इन दोनों को जोड़ने से जो एफिशिएंसी आती थी उसकी कमाल में इसकी एफिशिएंसी थी 35% या 40%, इसकी एफिशिएंसी थी 70% ठीक है। अब इन दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी है और जब इसको जोड़ा गया ठीक है, जोड़ा गया तो ओवरऑल कुछ निकल के आया मान लो, लेकिन जब हमने को जनरेशन की बात करी, यानी दोनों प्लांट को एक साथ रन कराया, तो उससे जो एफिशिएंसी आई, वो एफिशिएंसी, ये जो प्राप्त एफिशिएंसी थी इससे काफी ज्यादा थी। तो फ्यूल एक ही है, उसी फ्यूल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों ना जो ओवरऑल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जाए ठीक है। तो कोजनरेशन का यही संबंध है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, कोजनरेशन का मतलब किससे है, थर्मल से है प्लस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से है, हीट से है प्लस इलेक्ट्रिकल पावर से है। क्यों इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, सिस्टम की प्लांट की ओवरऑल दक्षता को बढ़ाने के लिए, चाहे वो गैस टर्बाइन हो, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे वो डीजल प्लांट हो, हर जगह तो फ्यूल ही देते हो ना बेटा, फ्यूल ही इंपॉर्टेंट है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे, अभी एक बेसिक सा आइडिया मान के चलो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज रिक्वायर्ड हमारे लिए ऐसे है ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होगा बेटा आप हमसे पूछ लेना, तो पढ़ना शुरू कर दो ठीक है। चलो